हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने घर में नवरात्रों के टाइम पे कलश की स्थापना कर सकते हैं। साल में दो बार नवरात्रे आते हैं, चैत और शारदीय नवरात्रा, और दोनों ही बार हम कलश की स्थापना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कलश हमारी नौ देवियों का प्रतीक है, तो जब भी आप इसकी स्थापना करें तो आप को ये ध्यान में बात रखनी है कि आपका जो कलश है जहाँ पे स्थापित हो रहा है वहां से हिले नहीं, नौ दिन तक एज इट इज वहां पे रहे। चाहे आप अष्टमी करते हैं या आप नवमी करते हैं, लेकिन जितने भी दिन आप आठ या नौ दिन जब भी कलश आप स्थापित कर रहे हैं वो अपने स्थान से हिलना नहीं चाहिए। चावल की ढेरी बनाकर आप उस पे कलश रखते हैं, फिर आप उस पे नारियल रखते हैं। तो यही प्रोसीजर हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग चावल की ढेरी बना देते हैं और अगर आप विधिवत तरीके से करेंगे तो अष्टदल कमल बनाया जाता है, वही हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं। अष्टदल कमल की अगर मैं बात करूँ तो हमें ये चावल चाहिए, यानी कि अक्षत जिसको आप बोलते हो, इससे हम बनाने वाले हैं। अगर आपके पास कलर है तो आप कलर करके, यानी कि आपको लाल चावल या आप पीले चावल से भी बना सकते हैं, मैंने दोनों ही लिए हैं, कॉम्बिनेशन के साथ हम बनाने वाले हैं। तो अगर आपके पास नहीं है कलर तो आप सिर्फ अक्षत लें, जैसे कि मैंने किया है। इसमें आप देखेंगे तो मैंने इसमें हल्दी मिलाई है, इन चावल को मैंने पीले कर लिया है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने कुमकुम मिलाया है और इनको मैंने लाल कर लिया है, और ये अक्षत जो मेरे एज इट है ये व्हाइट है। तो इनका हम बनाने वाले हैं अष्टदल कमल। तो शुरू करते हैं। माता की तस्वीर जहां पर आपने रखी, जहां पर आपने माता को सेटअप किया, माता को बिठाया, माता की चौकी लगाई, उसके राइट हैंड साइड में, यानी कि यहां पर हमें कलश बिठाना है। तो हम अष्टदल कमल बनाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो ढेर सारे कलर से भी बना सकते हैं अष्टदल कमल को। बीच में आप ढेरी लगाएंगे सबसे पहले। आप एक अच्छी सी ढेरी लगा लीजिए इस तरीके से। अब आपको अष्टदल बनाना है, तो यानी कि आप यहाँ मैंने बीच में लिए हैं येलो कलर के चावल, थोड़ी मोटी ढेरी, क्योंकि आप जो कलश है वो आपका यहाँ पे टिकेगा। आठ मैंने ये लाइंस बनाई हैं क्योंकि हमें अष्टदल बनाना है। इस तरीके से पहले आप लाइन बना लें और फिर आपको ऐसे ये पत्तियाँ बनानी है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको बनाना ऐसे ही है। आप अपने जब आप बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लें छोटी बड़ी, लेकिन ये आठ होनी चाहिए क्योंकि ये अष्टदल कमल है। ये नौ माताओं का, नौ देवियों का सूचक माना जाता है। ये देखिए, ये हमने बना दिया है अष्टदल कमल। बस थोड़ी सी फिनिशिंग आप कर दीजिए। ये देखिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा अष्टदल। ये आठ पत्तियां हैं इसमें, ठीक है। तो आप हल्के से, अगर नॉर्मल चावल आप हमें इस पे अष्टदल कल को स्थापित, अष्टदल पे हमें कलश स्थापित करना है। ये मैंने कलश लिया है, अगर आपके घर पे सिंपल है वो आप यूज कर सकते हो, या आपको थोड़ी बहुत पेंटिंग आती है आप खुद भी बना सकते हो। ये मैंने बना बनाया इस तरीके से लिया है। इसमें मैंने अभी जल भरा है, ये हम यहाँ पे रख देंगे बीच में, और चारों तरफ से हमारा कमल जो है नजर आ रहा है आप देखेंगे तो, ठीक है। अब इसके बाद ये, और इसमें हम हल्का से डालेंगे गंगा जल। गंगा जल मैंने इसमें डाल दिया है। गंगा जल के बाद एक रुपए का सिक्का, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी एक तो हम घर पे यूज़ करते हैं, तो पूजा के लिए आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सी हल्दी पाउच ले आए, चाहे छोटा सा, थोड़ी सी हल्दी मैंने डाल दी। कपूर है, इसको हम खोल के डालेंगे। कपूर, इलायची, इलायची के भी छोटे पाउच मिलते हैं, तो आप
दो इलायची, ये दूब है, सूखी घास बेसिकली, और थोड़ी सी दूब जाएगी इसके अंदर। ये सारा चीजें हमने इसमें डाल दी है। अब हमारे पास है आम के पत्ते। अगर बाय चांस आपको अपने घर के आसपास आम के पत्ते नहीं मिलते हैं, आम के पत्ते शुभ होते हैं, तो कोशिश करें आम के पत्ते मिले। आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्तों से भी काम चला सकते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप 5, 7, 9 जिस आपका आकार है कलश का उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। मैं पहले 5 ट्राई करूंगी, लेकिन मैंने 7 रखे हैं। तो इनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने इन सब को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इस पर हमें तिलक लगाना है कुमकुम का। कभी भी कोरे हम यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैं तिलक लगा देती हूँ। सभी पत्तों पे आपको तिलक लगा देना है। मैंने सब पे तिलक लगा दिया है, इसके अलावा हल्दी भी थोड़ी सी। ये देखिए सब लगा दिया है मैंने, तो ये मैंने इस तरीके से तैयार कर दिए हैं। अब हमें ये नारियल इसके ऊपर रखना है, तो नारियल के साथ इस तरीके की चुन्नी आती है, ये आप ले लेंगे। इस पर अच्छे से आपको लपेट देना है। ये मैंने इस पर अच्छे से लपेट दिया है। इसको मैं इस धागे की मदद से भी बांधने वाली हूं। गांठ नहीं लगानी हमें, गांठ नहीं लगाने वाले हम, बस चारों तरफ हम इसको लपेट देने वाले हैं। तो ये इस तरीके से, ताकि ये चुन्नी इस पर टिकी रहे। इस तरीके से मैंने इसको, देखिए गांठ नहीं लगाई मैंने, बस मैंने इसको इसके आपस में अटका दिया है इस तरीके से। अब मुझे ये इसमें रखने हैं। इसका भी इसी तरीके से फूल बनेगा, 5, 7 जितनी आपकी इच्छा है, जितना आपका कलश है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे देखिए 4 आया अच्छे से, और मैं 5 ही रखने वाली हूँ यहाँ पे। ये इस तरीके से रखे गए हैं इजिली। 7 रख देती हूँ मैं, देखिए हो गया है अच्छे से। तो 7 मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, ये आप देखेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है ना। नीचे आस्तर का वाला हमने रेड कलर में बनाया है, ऊपर हरे रंग के पत्ते हैं। तो अब ये नारियल, नारियल हमें इस पे यहाँ पे स्थापित करना है। अब आप इन पत्तों को सेट कर दीजिए। जब स्टार्टिंग में हो तो आप डरे ना, आप इन पत्तों को इस तरीके से जो है सेट कर दीजिए। सेम अब आपको फिर से तिलक लगाना है नारियल पे, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी और कुमकुम दोनों ही आप इसमें यूज करें। तो थोड़ी सी हल्दी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। 1 रुपए का सिक्का हमने नीचे इसमें डाला था, और 1 रुपए का सिक्का और अब हम इसमें रख रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमारी अष्टदल कमल की स्थापना हो चुकी है बड़े ही अच्छे से। इसी तरीके से आपको स्थापना करनी है, शांत मन से आप कलश की स्थापना करें। और आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी के दाईं तरफ, दाहिने तरफ, सीधे हाथ की तरफ कलश आप 9 दिनों तक हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से, क्योंकि ये 9 देवियों का प्रतीक माना जाता है। जहां पे आपने जैसे स्थापित किया है वैसे ही अब ये वहां पर रहना चाहिए। तो आप एक बार देख सकते हैं, बड़े ही अच्छे से हमने यहाँ पे इसको सेटअप कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा मैंने बहुत सारे चैनल पर वीडियो अपलोड की हैं कि आपको जवारे कैसे बोने हैं, मंदिर की स्थापना कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, पूजा कैसे करनी है, हर दिन कौन सा पाठ करना है, हवन कैसे करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।